भूगोल के शब्दावली में पंक, पंक जैसी शब्द का आपके लिए थोड़ा क्लिष्ट हो गया। जैसे हम कहें पंकज, पंकज का समानार्थी शब्द होता है कमल, तालाबों में कमल खिलता है। तो पंक धन ज, पंक का अर्थ है कीचड़, कीचड़ में उगने वाला को पंकज कहते हैं। अब इसी में पंक कह दिए, पंक को कह दिए मड अंग्रेजी में, कीचड़, कीचड़ शब्द यहां पर उल्लेख नहीं किया गया, पंक शब्द उपयोग किया गया। तो इसमें जो कण है, अवसादों के जो कण हैं, कल्पना बस केवल कर सकते हैं हम कि 1/8192 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 8000वां हिस्सा। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे दही खाते हैं कड़, अब वो कितना चिकना होता है, कितना मुलायम होता है, उस तरह से आप कल्पना कीजिए। तो ये जो शब्द आए जिसमें हमने कहा बजरी, रे, सिल्ट, क्ले, पंख, आप एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए कि आप बरसात के दिनों में आप नदी से एक गिलास पानी ले और उस पानी को आप 1-2 घंटा तक रख दीजिए और तब आप देखिए कि उसमें जो अवसाद है, जो पदार्थ है, वो कैसे बैठता है। तो सबसे निचले भाग में उसमें मोटे कण बैठेंगे और उसके ऊपरी भाग पर बारीक कण, जो बिल्कुल लचीला रहेगा, जो बिल्कुल कोमल और सॉफ्ट रहेगा। तो उसी प्रकार से आप ये कल्पना कीजिए कि जहां पर मान लीजिए कि ये आपका भारत देश है, इस भारत देश में गंगा नदी जहां पर जाके मिलती है, तो वहां शुरुआत के तट के पास बड़े बोल्डर, बजरी मिलेंगे, फिर रेत मिलेंगे, उसके बाद सिल्ट आएगा, उसके बाद क्ले आएगा और उसके बाद पंख आएगा। अब फिर आपको हम लोग पढ़ा देते हैं कि पंख जो इतने महीन, इतने मुलायम कीचड़ जो होता है, अब उसको रंगों के आधार पर कि जब स्थली भागों से अपरदन की क्रिया से अवसाद जब समुद्रों में निक्षेपित किया जाता है, तो इस स्थली भाग के पर असंख्य मिनरल्स है, असंख्य खनिज तत्व है। तो ये खनिज तत्व भी घुलाव की क्रिया से समुद्रों तक पहुंचता है। तो इन क्रियाओं के कारण, इन तत्वों, इन खनिज तत्वों के आधार पर जो पंख है, जो कीचड़ है, वो अलग अलग रंग। हम आप लोगों को बतला देते हैं कि जैसे नीली पंख, इसमें लोहे के सल्फाइड, अगर देखिए भैया ये केमिस्ट्री का विषय आ गया, साइंस का विषय आ गया कि किस प्रकार से 2 केमिकल मिलते हैं तो उसके रिएक्शन कैसे होता है। तो लोहे के सल्फाइड की मात्रा अधिक है और उसमें चूने का 35% भाग होता है, तो वो जो कीचड़ है, वो जो पंख है, लोगों ने अध्ययन किया है कि उसका रंग नीली पंख उसको कहते थे। जब उसमें लोहे के ऑक्साइड अधिक होते हैं, जैसे आप स्थली भागों पर देखते हैं बरसात के दिनों में लोहे को आप रख दीजिए, अब उसमें जब पानी बरसता है तो उसका जो रस्ट बनता है, जो जंग जिसको आप कहते हैं लगता है, उसका कलर क्या होता है, भूरा कलर का होता है। अब वही जब घुलाव की क्रिया से समुद्रों में पहुंचता है, तब उन कीचड़ और पंख का जो रंग है वह लाल पंख कह देते हैं उसी को।
फिर कहते हैं हरा पंख, ये रासायनिक क्रियाओं के वेदरिंग के परिणाम स्वरूप इसमें एक्चुअल में ये नीली पंखी है, लेकिन रासायनिक केमिकल इरोजन के परिणाम स्वरूप इसका रंग हरा रहता है, तो उसको कह देते हैं हरा पंख। तो यह स्पष्ट हुआ कि महासागरों में जो अवसादों का निक्षेपण होता है, जमाव होता है, उसका एक प्रधान स्रोत है स्थली भाग। इन स्थली भागों से अवसादों का समुद्रों पर निक्षेपण होता है। तो नदी उसी प्रकार से हिमनदी। अब वायु की बात आपको हमने कहा कि जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो धूल भरी होती हैं, आंधी युक्त होती हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि स्थली भाग है, जल भाग है। तो अब मान लीजिए आप, जैसे हमने आपको कहा कि सहारा का मरुस्थल, जैसे सहारा का मरुस्थल कहा तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिमी जो हिस्सा है वो इसराइल का है, सहारा का मरुस्थल। यहां पर जब हवाएं तेजी से चलती हैं तो आंधी युक्त होती हैं, उसमें रेत मिले होते हैं और उन सब का प्रभाव आप जानते हैं कि जब जलवायु विज्ञान आपने पढ़ा है, तो यहां पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो इन व्यापारिक हवाओं का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है जिससे इन समुद्रों पर आंधी युक्त रेत युक्त जो हवाएं हैं वो समुद्रों में पहुंचती हैं और धीरे धीरे वो उसकी ऊपरी सतह पर पहले रहता है, फिर धीरे 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 उत्तली तक पहुंच जाता है। तो ये आपका हुआ कि स्थली पदार्थ या निक्षेप एक प्रकार हुआ। अब जनरल नॉलेज में एक प्रश्न आ जाता है कि भाई ये पंक मड, तो ये आपको याद करना पड़ेगा पुस्तकों से कि नीली पंख, लाल पंख और हरा पंख। दूसरा प्रकार होता है इसका ज्वालामुखी पदार्थ, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पृथ्वी के दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी पदार्थ। जैसे हमने आपसे कहा कि स्थली भागों पर अंतरजात बल के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी का उद्गार होता है, विस्फोटित जब होता है तो उससे लावा निकलता है, राख निकलता है, विखंडित पदार्थ निकलता है। तो ये क्रियाएं जो स्थली भाग पर है वह सब लोगों का अध्ययन से है कि समुद्रों के तली में भी ज्वालामुखी का विस्फोट, जिससे पदार्थ की उपलब्धता होता है उसी को कह देते हैं ज्वालामुखी पदार्थ, या ज्वालामुखी पदार्थ के परिणाम स्वरूप निक्षेप जो होता है। अब आइए तीसरा प्रकार, जैविक कार्बनिक निक्षेप कहते हैं, जिसको हमने आपसे कहा कि महासागरी निक्षेप के स्रोत में स्वयं समुद्र भी है स्रोत के रूप में, जिसको कहते हैं जैव पदार्थ, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ। इसी आधार पर कह देते हैं कि कार्बनिक निक्षेप शब्द बोल देते हैं। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि समुद्रों में असंख्य जीव हैं, तो ये जीव अमर नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य अमर नहीं है वैसे जीव भी अमर नहीं है। जब ये अमर नहीं है तो ये भी मरते हैं, तो उनके जो अस्थि पंजर है वो कहां जाएगा? उसका अस्थि पंजर नीतल में ही बैठेगा, ऊपर में नहीं हो जाएगा वाष्पीकृत होकर। तो इन जो विभिन्न जीव है, विभिन्न जो पौधे हैं, एक शब्द है शैवाल, एल्गी। जैसे आप यदि गूगल में जाकर शैवाल टाइप करेंगे या एल्गी टाइप करेंगे तो आपको पूरा जो उसका जो निचली सतह है उसमें कितने प्रकार के विविध प्रकार के शैवाल वनस्पतियां आपको मिलेंगे। मैं ऐसे वीडियो लेक्चर से आपको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कि आप गूगल में जाइए, एलजी टाइप करिए, तो आप देखेंगे कि कितने प्रकार की सूक्ष्म वनस्पतियां
अलग अलग कलर की विभिन्न आकार में आपको दिखाई देंगे। या जैसे इसमें जैविक पदार्थ कार्बनिक निक्षेप को फिर दो भागों में बांट दिए, एक को कह दिए नेरेटिक, दूसरे को कह दिए पेलेजिक। अब इसमें नेरेटिक कम गहराई, कम गहराई पर जो विशेषकर मछलियां, एक शब्द लिख दिया मोलस्क, मोलस्क जीव। अब जैसे एक शब्द आ गया मोलस्क जीव, मतलब आपके लिए बड़ा कठिन चीज हो गया। अब गूगल में फिर मैं वही बोलूंगा कि आप मोलस्क टाइप करिए तो देखेंगे कितने प्रकार के शीप, इनके अस्थि पंजर, इनके सेल, इनके खोल, कर्ण भी निक्षेपण होता है कम गहराइयों में, तब उसी को हम लोग कह देते हैं नेरेटिक निक्षेप कह देते हैं। दूसरा आता है पेलेजिक, जिसमें मैंने कहा कि विभिन्न शैवाल। अब उसमें एक शब्द आ गया ऊज, ऊज देखिए ऊज, कहीं पर सिंधु पंख भी बोलते हैं, सिंधु पंख। जैसे कि आप जान चुके हैं कि पंख से भी अधिक सूक्ष्म व्यास वाले जो पदार्थ हैं, शैवाल के जो जो निक्षेपित होने के बाद जो कण है वो पंख से भी कम होता है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं। पंख का जो कण है वह 1 मिलीमीटर का 8000वां हिस्सा होता है, ये आपको बताते हैं। उससे भी आप कल्पना करिए जो व्यास वाले कण होते हैं उसको ऊज कहते हैं। अब जनरल नॉलेज में आता है कि ऊज, तो अभी आपको हमने कहा कि विभिन्न जो जीव है, जो पौधे हैं, उनके निक्षेपण से गहरे समुद्रों में, जहां शांत समुद्र होता है, जहां जल धाराएं नहीं प्रभावित करती हैं, तब उसको ऊज कहते हैं। फिर ऊज को फिर दो भागों में बांटते हैं, एक को कह दिए चूना प्रधान ऊज, उसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है उस जीव में, और दूसरा कह दिए सिलिका प्रधान। अब चूना प्रधान में फिर आप देख रहे हैं कि टेरापोड ऊज कह दिए, टेरापोड जीव है, इनके अवशेषों से, इनके सेल से जो निक्षेपण होता है उसको टेरापोड ऊज कह देते हैं। फिर कह दिए ग्लोबी जिरेना, ये भी एक जीव है ग्लोबी जिरेना, जिसमें चूना 80% चूना जो कैल्शियम होता है वो 80% से ज्यादा होता है, तो ये इसके तुलना में कम गहराई पर निक्षेपित होता है क्योंकि ये घुलनशील होता है। सिलिका प्रधान की बात कर दी, सिलिका प्रधान कहते हैं तो एक जीव का नाम है रेडियो लेमियन, इनके सेल से, इनके खोल से जो निक्षेपित होता है अधिक गहराई पर रेडियो लेमियन कुछ कहते हैं। फिर आता है डायटम कुछ, डायटम कुछ एक वनस्पति है, सूक्ष्म वनस्पतियों के सड़ने से, गलने से जो बॉटम में निक्षेपित होता है उसको कह देते हैं डायटम ऊज कह देते हैं। अब ये जो ऊज है ये ध्रुव ऊंचे अक्षांशों में अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसका निक्षेपण अधिक होता है, या इनके वितरण महासागरों में आप देखेंगे किताबों में दिया हुआ है इसका वितरण, तो अलग अलग क्षेत्रों पर इनका आपको वितरण मिलेंगे। फिर एक शब्द लिखाया है अजैव पदार्थ, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट कहते हैं, इसमें किसी जीव एवं पौधों का योगदान नहीं होता है, इसमें जो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो स्थलीय भागों से विभिन्न कण प्रवाहित होकर समुद्र के सतह पर पहुंचता है और धीरे 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 ये तली तक पहुंच जाता है,
इसमें विभिन्न खनिज के जो तत्व है, इसमें डोलोमाइट है, मैग्नीज है, लोहा है, इनके जो पार्टिकल है, जो कण है, इनका निक्षेपण धीरे 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 5000 मीटर की गहराई में होता है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। 4000 मीटर से 5000 मीटर में इनका निक्षेपण होता है, उसको कहते हैं आकार बड़ी के नीचे। उसी में आता है रेड क्ले, लाल मृतिका प्रतिमा, जो कि प्रमुख रूप से अकार्बनिक निक्षेप में रेड क्ले ही होता है। फिर एक और शब्द बोल देते हैं उल्का धूल। जैसे अभी आपने सुना कि एक उल्का पिंड 29 अप्रैल को महा इसके पृथ्वी पर टकराने वाला है, तो ये घटनाएं आकाशीय घटनाएं हैं, ये घटित होता रहता है। तो जैसी वायुमंडल में प्रविष्ट होता है वो कई टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, और इसका विखंडन, इनका जो टुकड़े हैं, उसके जो डस्ट है, वो समुद्रों में भी गिरता है, और वो कालांतर में धीरे धीरे तली पर जाकर उसका जमा होता है, तब इसे कह देते हैं हम लोग अकार्बनिक निक्षेप। तो ये समुद्र विज्ञान के अंतर्गत एमए सेकेंड सेमेस्टर में आप हेडिंग आ जाता है कि महासागरीय निक्षेप। तो एट ए ग्लांस यदि हम महासागरीय निक्षेप की बात करते हैं, तो इसकी बॉटम में, इसकी तली में अवसादों का जो जमाव होता है, जो कालांतर से जब से महासागर बना हुआ है तब से उसमें निक्षेपण का कार्य हो रहा है, कोई आज की स्थिति में नहीं। आपको केवल यह समझना है, प्रश्न के रूप में जब आता है एग्जाम में इस चैप्टर से, तो लॉन्ग आंसर के रूप में कह दिया जाता है कि महासागरीय निक्षेप के स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन करें, या यह कह दिया जाता है कि महासागरीय निक्षेप पर एक निबंध लिखिए। छोटे प्रश्नों के रूप में यह आ जाता है कि पंक क्या है, ऊज क्या है। दो नंबर के रूप में पूछ दिया जाता है कि टोरोपोड ऊड ऊज क्या है, पूछ देते हैं कि डायटम ऊज क्या है। तो विद्यार्थियों, आप जब महासागरीय निक्षेप के बारे से पुस्तकों में पढ़ेंगे, तो आपको ये सोचना है कि ये जो महासागर का जो नीतल है वो बिल्कुल ऐसे ठोस चट्टानों से ही निर्मित नहीं है। उन नीतल पर स्थलीय भागों से व स्वयं समुद्रों में जो जीव जंतु हैं उनके अस्थि पंजर का जमा निरंतर हो रहा है। स्थली भागों से निरंतर नदी के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, समुद्री कपर्दन के द्वारा अवसादों की प्राप्ति है, और उन सब का निक्षेपण समुद्रों पर हो रहा है। इन नदियों के द्वारा, आजकल हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, तो इन नदियों के द्वारा केवल अवसादों का ही निक्षेपण नहीं हो रहा है, इनमें जो विभिन्न औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले जो प्रदूषित जल है, जो विभिन्न प्रकार के आज जो प्लास्टिक युग है, ये भी जाके समुद्रों में ही निक्षेपित हो रहा है। जिसमें आप कहते हैं कि समुद्री प्रदूषण की बात करते हैं, तो ये महासागरीय निक्षेप के ऊपर मेरा व्याख्यान रहा। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप इसको ज्यादा पुस्तकों से पढ़ेंगे। एक वीडियो लेक्चर एक केवल आपके लिए एक माध्यम है कि थोड़ा बहुत उसको समझने का प्रयास आप करेंगे। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बतलाना चाहा है। थैंक यू।